यात्री एरोप्लेन में यात्रियों के लिए पैराशूट की सुविधा क्यों नहीं होती है? पैराशूट की जो किट होती है वह सभी यात्रियों के लिए अगर उपलब्ध की जाए तो एरोप्लेन में बहुत सी जगह चाहिए होगी और यह किट महंगी होती है। उस पैराशूट की किट का रोजाना निरीक्षण करना पड़ेगा। एरोप्लेन की उड़ान से पहले यात्रियों को उसका इस्तेमाल कैसे करें वह भी समझाना पड़ेगा। एरोप्लेन में अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो सभी को पैराशूट से नीचे उतारेंगे तो एरोप्लेन में भगदड़ हो जाएगी। और एरोप्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर होता है और इतनी ऊंचाई पर पैराशूट से उतरना सभी के लिए आसान नहीं होता है। और नीचे सुरक्षित जगह पर ही उतरेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। 15,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई से अगर कोई स्काई ड्राइविंग करता है तो उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और सभी के लिए अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की भी सुविधा करते हैं तो प्लेन में ज़्यादा जगह की आवश्यकता होगी। औसतन एक पैराशूट का वजन 7 से 14 किलोग्राम तक होता है, यानी एरोप्लेन में अगर 200 यात्री होंगे तो 1400 से 2800 किलोग्राम वजन सिर्फ पैराशूट का होगा। इसलिए यही कुछ कारणों की वजह से पैसेंजर एरोप्लेन में पैराशूट नहीं होते हैं। मच्छर या छोटे जीव प्रकाश से क्यों आकर्षित होते हैं? आपने कभी कभी देखा होगा कि शाम के समय कई प्रकार के मच्छर या छोटे जीव जंतु वातावरण में उड़ते हैं। ये जीव अक्सर ट्यूबलाइट या प्रकाश स्रोत के चारों ओर उड़ते हैं। ऐसे जीव आमतौर पर अंधेरे भोजन वाले इलाकों में रहना पसंद करते हैं। ऐसे जीव अपना रास्ता सूर्य या चांद के माध्यम से तय करते हैं, पर जब बारिश होती है तब सूर्य या चांद का प्रकाश दिखाई नहीं देता है और अंधेरे में वह हैं जहाँ से तेज प्रकाश का स्रोत मिलता है उन्हें वह प्राकृतिक प्रकाश है ऐसा समझ लेते हैं और उस ट्यूबलाइट या तेज प्रकाश के चारों ओर घूमने लगते हैं। और ज़्यादा नज़दीक रहने पर वे ज़्यादा रोशनी के कारण अंधे हो जाते हैं और चारों ओर वहीं पर घूमते रहते हैं। कुछ जीव विज्ञानी मानते हैं कि छोटे पंखों वाले कीड़े भोजन की तलाश में चमकीले रंगों की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि ट्यूबलाइट होती है। हम देखते हैं कि इनमें से अधिकांश जीव ट्यूबलाइट के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।